ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुझे लड़ना है, इन 9 मणियों की रक्षा करनी है तुझे। इनकी रक्षा बनेगी ना। विश्वास नहीं होता, मैं कब भी जिंदा है और आज मैं वापस इसी घर में हूँ जहाँ से मैं गई थी। ये विधि का कैसा विधान है? माफी, माफी मांग रहे हैं आप? ये जो आपने की है बहुत छोटी है, ये माफी से खत्म हो जाएगी। ये है ना तुम्हारी सच्चाई? हाँ मॉम, ये देखिए, रघु तो पहले से इस लड़की से प्यार करता है। इन सब ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है मॉम। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, अब देखना मैं क्या करती हूँ। चलो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ना तुझे मार कूट के नीली पीली तुझे मल्टी नागिन ना बना दे। आगे तू ही सोच तुझे क्या करना है। वो मुझे, वो एक साधारण औरत है और मैं एक नागिन हूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं उसे एक डस मारूंगी ना तो ये वही मर जाएगी। बस मुझे वो 9 मणियां जब मिलेंगी ना, और मेरे पास तो रूप का पत्ता है, पत्ता प्रार्थना। बस मुझे वो 9 मणियां जब मिल जाएंगी ना, तो मैं तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। कैसे? ऐसे? रघु, तेरे दिल में प्रीति के लिए प्यार था, फिर तूने अनन्या से शादी क्यों? हाँ भाई, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी वो ऐसे बेइज्जती करी थी, मैं क्या करता? तो ये सब तूने मेरी इज्जत रखने के लिए किया? अरे पागल हो गया है क्या तू? इतना बड़ा बलिदान दे रहा था तू अपने भाई के लिए? शिवजी, क्यों आपने मुझसे मेरा हर चाहने वाला, मेरे हर सपने, मेरे हर अपने को मुझसे दूर कर दिया? क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द भर दिया? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और धरती माँ, आप धरती माँ तो अपने बच्चों को अपने सीने में विराजित करती है। जब सीता माँ के मान सम्मान की बात आई थी, उन्होंने पुकार लगाई थी तो आपने अपना सीना चीर के उन्हें अपने दिल में विराजित किया था, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों वापस भेज दिया? क्यों इस दर्द में तड़पने के लिए वापस भेज दिया? बस अब नहीं चलेगी आपकी ये जिद, अब नहीं सहूंगी मैं आपका दिया ये दर्द, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगी, अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी और नहीं जीऊंगी आपकी दी ये जिंदगी। शिव जी, आज तक आपने मेरी पुकार सुनी, आज आप मेरी ललकार सुनेंगे। 3 चिता मैं पहले भी जला चुकी हूँ, आज 4th चिता जलाऊंगी।
और ये चिता होगी मेरी खुद की। जय भोलेनाथ। हे अग्निदेव, धरती माँ ने तो मुझे ठुकरा दिया है, आप मुझे स्वीकार लीजिए, आप मुझे शरण दीजिए। मेरी चिता को बुझा दिया, अब मैं तुम सबको राख बना दूंगी। प्रार्थना, ये नौ नाग तो केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नौ मणियां अब तुम्हारे अंदर समाहित हैं, इसलिए अब ये नौ नाग तुम्हारे रक्षक हैं। मुझे नौ तो क्या, एक भी रक्षक की मदद नहीं चाहिए, मुझे तो मदद चाहिए ही नहीं। प्रार्थना, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ये दर्द ही अब तुम्हारी किस्मत है महाशेष नागिन। अगर यही मेरी किस्मत है तो मेरी किस्मत बदल दीजिए, या तो शिव जी मुझे मेरे अपनों को वापस लौटा दे, या तो मुझे वहां भेज दे। आज तक मैंने शिव जी के हर आज्ञा का पालन किया है, पर इस बार उन्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आज तक जब भी शिव जी ने मुझे बुलाया है मैं उनके पास गई हूँ, पर आज मेरे बुलाने पर उन्हें किसी भी रूप में मेरे सामने आना होगा। प्रार्थना, हे भोलेनाथ, महाशेष नागिन के क्रोध की आग अब कैसे शांत होगी? प्रीति दीदी को क्या हुआ है? दीदी अभी भी ठीक नहीं है, और प्रीति दीदी की शादी तो रघुप्रिया से हो गई है ना, तो हम हमेशा इस महल में रहेंगे। नहीं, पर मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ वो छुड़ैल आंटी रहती है। इस दुर्गति को तो आज मुझे ही हैंडल करना होगा। बच्चा पार्टी, अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो, आ जाओ खाना खाओ। प्रीति दीदी ठीक है ना? वो थक गई है ना, वो रेस्ट कर रही है। ठीक है, हम खाना खाएंगे, आ जाओ खाना खाओ। एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि प्रीति ने आखिर मुझसे शादी क्यों की। रघु, तुम जाके रेस्ट कर लो ना। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रीति ने मुझसे शादी क्यों करी। वो तो नहीं चाहती थी ये सब। देखो रघु, कभी कभी लड़कियों के दिल में जो बातें होती है ना, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती। हो सकता है उसके दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार हो, और वो ये नहीं देख सकती थी कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। दुनिया में कोई भी लड़की कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका प्यार किसी और का हो, इसलिए उसने तुमसे शादी की। हाँ, पर लेकिन भाभी। रुद्र, थोड़ा वक्त दो उसे, इतना ड्रामा हुआ है, डर गई होगी। चल तुम रेस्ट कर लो। सोनिया, गौतम, तुम लोग जाके सो जाओ, बच्चों के साथ मैं रुकता रात को। ठीक है भाभी, अभी जाके सो जाइए। दुनिया को हिला दिया।
से भी मेरे अपनों को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए आज मेरा नृत्य तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे मेरे अपने नहीं मिल जाते या मैं अपने अपनों से नहीं मिल जाती। सीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जिसे मैंने रोकना था ना, फाइनली उसे मैंने रोक लिया। मैंने उसे ऐसे रोका है ना, ऐसे बंधन में रखा है जिसे वो कभी निकल नहीं सकती। शादी का बंधन। ये सब कुछ मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अब मुझे ये बता, आगे तेरा प्लान क्या है? देख सीमा, उसे अपने अतीत के बारे में अभी भी कुछ याद नहीं है, और मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगी। उससे मैं दोस्ती करूंगी, उसका दिल जीत लूंगी, और फिर तू देखना, वो खुद ब खुद वो नौमनिया मुझे दे देगी, और मेरा ये प्लान भी सक्सेसफुल होगा। ये हो क्या रहा है? अरे ओ नीली नागिन, ये कोई साधारण सा तूफान नहीं लग रहा है मुझे। ये तो किसी के प्रकोप का जलजला है, किसी की प्रतिशोध की ज्वाला, जिसने तबाही का संकेत दे दिया है। खिड़की कहाँ है यार? अरे खिड़की पर सामने। अरे यार खिड़की। सीमा, ये मामूली सी हवा है, कोई तूफान नहीं है। मैं इससे बड़े बड़े तूफानों से लड़ती आई हूँ, तो ये क्या चीज है? और अब महाशेष नागिन भी मेरे कंट्रोल में है, तो डर किस चीज का? मुझे नहीं पता यार, मुझसे मत पूछो ना। प्रीति दीदी के बिना नींद कैसे आएगी? प्रीति दीदी कहाँ है? और मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बिजली कड़क रही है। इसमें डरने वाली क्या बात है? रघु भैया है ना, प्रीति दीदी थक गई है, वो सो रही है, बचला दो आप लोग को। आजा। प्रीति अभी रूम में रेस्ट कर रही है, सुबह बात करूंगा उससे। अपने गुस्से की आग को बुझा दे प्रार्थना, मैं आ गई हूँ। माँ, आप ही है ना? लगता है कोई ऐसा आ गया है जिसने महाशेष नागिन के गुस्से को शांत कर दिया है। जय भोलेनाथ। तुम मेरी मां नहीं हो सकती। मैं अपनी मां की धड़कनों को बहुत अच्छे से पहचानती हूं। अगर तुम मेरी मां नहीं तो कौन हो? अपना असली चेहरा दिखाओ, वरना मेरी गुस्से की आग में जल के मर जाओ। सही पहचाना तुमने, मैं तुम्हारी मां नहीं, पर मां जैसी हूं।
स्वागत नहीं करोगी हमारा? कौन कौन है आप? शेषा, रानियों की रानी। मेरा काटा मांगे ना पानी। अब तुमने इतनी तबाही मचा रखी थी तो मैंने सोचा कैसे रोकूं? तो बस आ गई प्रथा के रूप में। और मैं यहां आई हूं सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी मदद भी करने आई। एक वक्त था प्रार्थना, जब मैं भी महक जैसी एक बहुत बुरी नागिन थी। मुझे शक्तियां चाहिए थी और उन शक्तियों को पाने के लिए मैंने बद से बदतर काम किए। लेकिन जो दिल में सुकून होना चाहिए वो सुकून नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा कि जो शक्ति शिव जी ने मुझे दी है एक नागिन की, उन शक्ति से मैं कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन शिव जी मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे कुछ अच्छा काम करने का। तो अब जब तुम्हारी क्रोध की ज्वाला ने जलजला मचा दिया, मैंने सोचा यही मौका है एक अच्छा काम करने का, तो आ गई तुम्हारी मदद करने में। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी से बदला लेना है, ना ही कोई लड़ाई जीतनी है। मैं इस जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अच्छी बात है जो तुम जीत हार से बहुत ऊपर पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लड़ाई से ऊपर नहीं आ सकती तुम, तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। तुम खुद ही देख लो, तुम महक से डर के गई थी ना, नियति ने तुम्हें उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और रही बात दर्द की, तो अच्छाई के रास्ते में हमेशा दर्द मिलता है। भगवान राम को ही देख लो, रावण के विनाश में उन्होंने कितना दर्द सहा, अपने पिता को खोया, वनवास सहा, पत्नी वियोग सहा, लेकिन वो अपने कर्म से कभी नहीं हटे। और तुम भी किसी मकसद के लिए पैदा हुई हो, और तुम अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हट सकती। और यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे नाग वंश और इंसानों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चाहती हो कि महक इन सब के साथ ऐसे ही खेलते रहे? अपनी आंखें बंद करो और देखो कि महक ने सबके साथ क्या क्या कर रखा है। महक का घिनौना सच देखकर क्या तुम उसे अनदेखा कर दोगी? दूर हो जाओगी अपने फर्ज से? नहीं, मेरे अपनों को खोने का ये दर्द चाहता ही नहीं। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये दर्द ही तुम्हें अपने बदले का एहसास देगा, जीतने का जज्बा देगा तुम्हें। और इस बदले में तुम अकेली नहीं हो प्रार्थना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वक्त आ गया है तुम्हारे दुश्मनों के विनाश होने का, तुम्हारे दुश्मनों का अंत होने का। मैं अपने हर दुश्मन से बदला लूंगी, मार दूंगी उन्हें। मुझे मेरे अपनों की कसम है, जिन जिन ने मेरे अपनों को जान से मारा है मैं उनकी जान लूंगी। अब घर जा और महक को ये यकीन दिला कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं। हम उसी के खेल में उसे मात देंगे। मैं आपकी आभारी हूं, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया।
मेरे दिल में प्रीति के लिए प्यार था, फिर तूने अनन्या से शादी क्यों? हाँ भाई, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। रघु सच में दिल का अच्छा है या फिर महक जैसा बुरा उससे मिला हुआ? नहीं नहीं, अगर ये महक के इशारों पे चलता तो बच्चों के लिए, गौतम के लिए इतना सब कुछ नहीं करता। इस पर विश्वास करूं या नहीं, नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है और इस खेल में मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। हो सकता है रघु सच में अच्छा हो, पर महक इतनी बुरी है कि उस पायल की शक्ति से महक किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो मैं अभी इस पे विश्वास नहीं कर सकती। इसे अभी अपना अतीत नहीं बता सकती। माफ करना रघु, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम ठीक हो? तुम्हें वो सरदर्द फिर से हुआ क्या? हाँ, वो पता नहीं कैसे, सॉरी शादी में। इट्स ओके, पर मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्यों किया। मैं वो पता नहीं, कुछ याद नहीं, अपने अतीत के बारे में भी मुझे कुछ याद नहीं। रघु, मैं अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ क्या सही है क्या गलत कुछ याद नहीं। इट्स ओके, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, पर इतना याद है, इतना जानती हूँ कि मैं इस शादी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जब तक मैं अपने अतीत के बारे में सब जान नहीं लेती। ठीक है। एक्चुअली वो बच्चों को नींद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर जब तक तुम नहीं आती। थैंक यू, पर अब मैं यही हूँ। ओके, ध्यान रखना। यहाँ तो कोई उठा नहीं, तो फिर क्या गिरा? आवाज तो यहीं से आ रही थी ना। बज रहे हैं, कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है, कहीं सच में रघु पे कोई खतरा ना आए। सबके सामने मेरे बेटे की इंसल्ट की, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? शादी फिक्स की अनन्या से और पहले धोखा मेरे बेटे के साथ किया और इस बार फिर शादी किसी और से। इन अलावत ने मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जल्दी अंदर जाओ और लूटपाट मचाओ। एक भी जेवर बचना नहीं चाहिए। कोई अंदर रोकने की कोशिश करे ना तो उसे वहीं उड़ा देना। इन अलावत को तो मैं सड़क पर लेकर आऊंगी और ऐसी ठोकर खिलाऊंगी कि इनकी जिंदगी ठोकर बन के रह जाएगी।
इतनी रात को गार्ड क्यों कॉल कर रहा है? हेलो सर, स्टोर में चोर घुसा है सर, वो लूटपाट कर रहे हैं सर। क्या तुम ही रुको, मैं अभी आ रहा हूं। सॉरी, सब ठीक है? नहीं, गार्ड का फोन आया था, स्टोर में चोर घुसा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं रघु रुको, नहीं वहाँ मत जाओ प्लीज। वो गुंडे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, उनके पास हथियार भी हो सकता है, वो जान भी ले सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने और भाई ने स्टोर खड़ा किया, एक रात में सब लूट के चले जाए मैंने होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, और फिर वो सपना भी। नहीं, मैं रघु के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकती। ए, रुको, जो भी चोरी की है, जो भी लूटपाट मचाई, एक एक जेवर उठाए वापस रखो उसे, वरना आज तुम सबकी खैर नहीं। ये देखो, ये अकेला और हम साथ, लेकिन फिर भी धमकी गजब की दे रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस। मरने के लिए तैयार हो जा। प्रीति सुनो ना, आज के बाद तुम मुझे महेश जी नहीं भाभी बोलोगी। कल तुम्हारी शादी थी, तुम्हारी शादी में इतना तमाशा हुआ, ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, तो मैं अपनी देवरानी और देवर की शादी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, और हाँ, ये जेठानी से देवरानी के लिए एक छोटा सा शादी का तोहफा, तुम इसे ही पहनना। हाँ, पता नहीं मुझे ये बार बार सर दर्द क्यों होते रहते हैं, और फिर न जाने क्यों ये घर मेरे सपनों में आता है। पता नहीं
क्या कनेक्शन है मेरा इस घर के साथ? कल भी मैं जब अपने अतीत को ढूंढने निकली थी तो मुझे उन गुंडों ने पकड़ लिया था और आपने मेरी जान बचाई। तुम्हारी हमेशा मैं मदद करूंगी और तुम्हारा अतीत ढूंढने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस इन बेफिजूल बातों में अब टेंशन मत लो। ठीक, जितने गुर्गे पाले थे सबके सब निकम्मे। भेजा था अलावत स्टोर लूटने को, वो साथ होके भी एक अकेले रघु से नहीं लड़ पाए। मेरा पूरा प्लान चौपड़ कर गए, पर सीने में चलती आग अभी बाकी है। जब तक मैं उन अलावतों को खत्म नहीं कर दूंगी ना, ये आग नहीं बुझेगी। मॉम ये छोड़िए आप। मॉम काम डाउन। मॉम इधर देखिए, मम आप टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना मम, आपकी ये जो सीने में आग है ना, उसे मैं आज ही ठंडा कर दूंगी। ट्रस्ट मी। सुना है कि आज रघु और प्रीति का रिसेप्शन है। मम आई प्रॉमिस यू, उन्हें ऐसा लगेगा कि आज रिसेप्शन उनका हो रहा है, मगर असली ब्लास्ट तो मैं करूंगी। इतनी तबाही मचाऊंगी कि उन्हें भी याद रहेगा कि मेरा नाम अनन्या है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? है ना मॉम, एक ऐसा प्लान है जो इतना खतरनाक है, जो कि रघु और प्रीति की जिंदगी को एक चलता फिरता खतरा बना के रख देगा। बस कुछ वक्त और मैं प्रार्थना को मना लूंगी। इस पूरे चांद की रात को मैं वो 9 मणियां हासिल कर लूंगी। बस उसे मनाने का रास्ता ढूंढना होगा मुझे। शांत हो जाओ, calm down। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। That's it। देखो, तुम रिसेप्शन की पार्टी पे ध्यान दो। मुझे तो लगता है कि मिसेस ठकराल की बातें तुमने दिल पे ले ली हैं। इसीलिए ये सब। Relax, don't take stress। और तुम फिकर मत करो। बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स मैं हैंडल कर लूंगा। मैंने लोन के लिए एप्लीकेशन दे दिया है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं। इससे पहले उस लड़की की यादें वापस आए, मुझे उससे किसी भी कीमत पे वो मनी लेनी ही होगी।